नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भारत सरकार के कार्यक्रम कायाकल्प अवार्ड योजना में कायाकल्प की चेकलिस्ट के अंतर्गत थेमेटिक एरिया बियॉन्ड द बाउंड्री के चेक पॉइंट G2-5 के अनुसार जिला महिला चिकित्सालय की टीम द्वारा 10वीं जूनियर हाई स्कूल में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्कूल के प्रबंधक सैयद एजाज अहमद और स्कूल के प्रधानाचार्य जावेद मजहर ने डॉक्टर आभा आत्रे चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट जिला महिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर और हेल्प डेस्क ST मैनेजर सबा रानी का फूलों का गुलदस्ता भेंट कर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। सबसे बड़ा डॉक्टर आभा आत्रे ने बालिकाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जागरूक किया और किशोरावस्था में होने वाली समस्याओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पोषण संबंधी जानकारी व घरेलू उपाय भी बताए। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही सरोनी स्वस्थ किशोर योजना के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर स्कूल की शिक्षिकाओं का विशेष सहयोग रहा। ये नहीं कि मैं ही लेक्चर सा दे रही हूं और आप बस मतलब बोरियत से सुन रहे हो, तो आप बताओ क्यों जरूरी है। स्वच्छता से बताया ना अभी, सामान्य क्या होता है। यदि आप स्वच्छ हैं तो आप स्वस्थ भी तो रहेंगे। आप ही जब आप स्वच्छ नहीं होते तो आपकी जो गंदगी से ही बीमारियां पनपती है ना, स्वास्थ्य खराब होता है। तो सबसे पहले हमको अपनी स्वच्छता, अपने स्वास्थ्य का हम ध्यान रखेंगे तभी हम औरों को कह भी सकते हैं और औरों के लिए कर भी सकते हैं चीजें। तो जो हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता है वो शुरुआत बिल्कुल किसी उससे शुरुआत से शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले क्या होना चाहिए व्यक्तिगत स्वच्छता में, सबसे पहले हमारा क्या होता है, ओरल हाइजीन कह लो या उसके बाद फिर नहाना धोना कह लो या ऊपर से चलो, तो आप सबसे पहले अपना ये शुरू करो कि नहाना धोना आपका होता है कि आप रोजाना नहाना धोना साबुन से एक अच्छे उससे आप लोग नहाए हुए में कीटाणु पनपते हैं तो वो हमारे सारे शरीर की सफाई का संबंध हो गया कि आपका नहाना धोना इसलिए जरूरी है, ठीक है। फिर आप अपनी चीजें ऊपर से शुरू करते हैं, है बिल्कुल बच्चों की जैसी बात है, बच्चों की बात है। मैं कह रही थी लग रहा है मतलब आप लोगों को तो इसका जरूरत ही नहीं, आप ही बल्कि जाके सबको ये सब बातें बता देंगे, है ना। ऐसे ही अपना सिल्किंग है पहले कि भाई आप अपने बालों को साफ रखेंगे, सिर का धोना वगैरह ये सारी चीजें करेंगे, सब करते हैं, अच्छे से बाल रखते हैं। अपने पहले जमाने थे कि नहीं सब ऐसे रहते थे, लेकिन अब तो बहुत ही मतलब पढ़े लिखे सब लोग होते हैं, सब समझदार है, सबको वैल्यू पता है स्वच्छता की, इसलिए सब लोग वो चीजें खुद ही अपनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके क्या आता है, सारा आपका चेहरे पे आपकी आंख नाक कान सारी चीजें आ गई, इन सब का आपका भाई आप बाहर से जाए आए ना तो आप हर वक्त नहीं सकते, एक वक्त बनाए लेकिन अपने जाने पर आप लोग करते भी हैं, हमसे ज्यादा करते हैं, मतलब हाथ पार धोना भी, अपना चेहरा धोना और तभी आप आगे चीजें करते हैं, ठीक है। फिर आपकी बात आई ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन में हमारे जाने के बाद ये सब तो है ही, आप अच्छे से हाथ धोए अपने साबुन से या हैंड वॉश से। और ऐसे ही जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने से पहले हमेशा अच्छे से हाथ धोना है, क्योंकि जो मेनली हमारी हाथ है वही सब जगह ज्यादातर टच होते हैं, ज्यादातर इनमें हमें जो दिखता नहीं है सबसे ज्यादा गंदगी हमारे इनमें लगी रहती है और इन्हीं के साथ फिर हमारे अंदर जाती है, तो नेचुरली फिर बीमारी की चपेट में हम आ जाएंगे। तो हाथ धोने की जो बात है, हाथ कब कब धोना है ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन हाथ धोने का एक तो होता है सामान्य तरीका कि हमने गए हाथ धो लिए अच्छे से, है ना, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हाथों में लगी रह जाती है। तो एक जो धोने का मतलब साइंटिफिक तरीका है वो है उसमें 6 स्टेप होते हैं कम से कम। आप अगर आपके साथ है ना, ऐसे ही अपना सिल्किंग है पहले कि भाई आप अपने बालों को साफ रखेंगे, सिर का धोना वगैरह ये सारी चीजें करेंगे, सब करते हैं, अच्छे से बाल रखते हैं। अपने पहले जमाने थे कि नहीं सब ऐसे रहते थे, लेकिन अब तो बहुत ही मतलब पढ़े लिखे सब लोग होते हैं, सब समझदार है, सबको वैल्यू पता है स्वच्छता की, इसलिए सब लोग वो चीजें खुद ही अपनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके क्या आता है, सारा आपका चेहरे पे आपकी आंख नाक कान सारी चीजें आ गई, इन सब का आपका भाई आप बाहर से जाए आए ना तो आप हर वक्त नहीं सकते, एक वक्त बनाए लेकिन अपने जाने पर आप लोग करते भी हैं, हमसे ज्यादा करते हैं, मतलब हाथ पार धोना भी, अपना चेहरा धोना और तभी आप आगे चीजें करते हैं, ठीक है। फिर आपकी बात आई ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन में हमेशा आप जो है, हम लोग क्या है कि मेनली ज्यादातर हम एक बार मंजन करते हैं सुबह, है ना,
लेकिन एक बार आपको सोने से पहले भी करना चाहिए, क्योंकि जो दिन भर का सारा खाया हुआ होता है चुल्ला उल्ला तो हम कर लेते हैं, फिर भी ऐसी ऐसी बीच वाली जगहों में भी घुस जाता है जो खाली उस चीज से काम नहीं चलता। तो आप जो है ब्रश रात को सोने से पहले भी करना चाहिए, और मीठी चीज जब भी आप खाएं उसके बाद जरूर कुल्ला वगैरह। वक्त हो चला है आप सविता लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।